वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा लेट लग रहा है, क्योंकि यार अभी मैं चंडीगढ़ से पुणे आ चुका हूँ और पुणे में अभी रिलैक्स होने के लिए भी सब मतलब जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे अपना काम का सेटअप होना चाहिए, जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि बैकग्राउंड हो जाए, जैसा कि आप चाहते हैं कि वॉइस माइक में आवाज़ अच्छी आए, साउंड आए, तो उस चीज़ के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मुझे रूम मिलता है तो आपके लिए बेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जहाँ तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए जैसा सोचा था आप लोगों को, आई थिंक वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था उस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं आप लोग को बात कर रहा हूँ तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी को रिलीज हुए, आई थिंक मंगल खत्म हो गया और बुधवार आ गया, और बुधवार तक इस मूवी का जो कलेक्शन है, छप्पाक मूवी की अगर मैं बात करूँ, छप्पाक मूवी भी चल रही है साथ साथ में। सबकी उम्मीदें ये थी कि तानाजी और छप्पाक मूवी का कलेक्शन अच्छा खासा मतलब जा सकता है, और तानाजी के लिए जबकि बहुत सारी उम्मीदें थी, और लोगों का ये कहना है कि ये मूवी मतलब कि लोगों का कहना था कि ये मूवी पहले ही दिन 50 करोड़ 45 करोड़ कमाएगी, उस टाइप से लोगों का सोचना था। तो उस सोच के थोड़ा हटना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक ये टाइम ही ऐसा था, कोई पीक टाइम कह सकते हैं कि बॉलीवुड और पूरे वर्ल्ड वाइड आई थिंक इतनी सारी मतलब दिक्कतें हो रखी हैं। उसके बाद भी जो पहले दिन का कलेक्शन आया वो 15 करोड़ 10 लाख का था, दूसरे दिन ये मूवी बढ़ी, फिर मूवी ने आई थिंक 20 करोड़ रुपए की कमाई की, फिर उसके बाद 26 करोड़ 26 लाख का कलेक्शन कर ले गई, और उसके बाद जो इसका चौथा दिन था, और मंडे को इस मूवी की बात करें तो वाकई में ये मूवी थोड़ा सा फिर से गिरी। और इस मूवी ने अगर देखा जाए कलेक्शन के मामले में, तो कलेक्शन 13 करोड़ 28 लाख का किया, और जबकि ट्यूसडे को ये मूवी फिर से उठी और 15 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया। तो ये कलेक्शन बढ़ते भी जाएंगे घटते भी जाएंगे, क्योंकि ये मूवी आई थिंक 1 से 1.5 महीना खिंच जाएगी, 50 से 60 दिन तक इस मूवी को लोग देखेंगे। और इस मूवी का जो कलेक्शन है, जैसा कि लोगों ने सोचा था कि ये कलेक्शन इस हिसाब का होना चाहिए, वो कलेक्शन वहीं तक पहुंचेगा। नो डाउट कि ये कलेक्शन बहुत ही कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, टाइम ही ऐसा है। तो समय के साथ जैसे ही चीज़ें चेंज होंगी, वैसे ही इसका कलेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, और वैसे तुरंत ही हम आपके लिए जल्दी जैसे ही टाइम मिलता है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात करते हैं। और इसके साथ ही आप लोग को छप्पाक मूवी की मैं बात बता दूं कि छप्पाक मूवी भी आप लोग के मतलब कुछ लोगों की उम्मीदें थी कि हाँ कुछ कलेक्शन कर पाएगी, उस मूवी के कलेक्शन भी बहुत ही गिरे हुए आ रहे हैं, जबकि आई थिंक उस मूवी के रिव्यूज़ और जो भी आई थिंक देखने को मिला बहुत ही बेटर है, जबकि वो कहानी भी बहुत ही अच्छी है। इसके कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो छप्पाक मूवी का कलेक्शन जो पहले दिन से स्टार्ट हुआ था वो कुछ 4 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, और ये मूवी 4, 6 करोड़ 7 करोड़ ऐसे बढ़ती गई, और फिर उसके बाद मंडे को इसका कलेक्शन जो इस हिसाब से गिरा है, मतलब ये मूवी बताई जा रही है कि अभी तक सिर्फ 22 से 25 करोड़ ही पहुंची है, जबकि तानाजी द अनसंग वॉरियर को अभी तक की कमाई 90 करोड़ पार हो चुकी है। और ये मूवी आई थिंक आज का जो कलेक्शन है ये फिर आज को नो डाउट कि ये 10 से 12 करोड़ या 15 करोड़ तक जाएगी जाएगी, और ये मूवी 105 करोड़ 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी डेफिनेटली। आप लोग के हिसाब से ही आप डे बाई डे देखेंगे कि किस हिसाब से कलेक्शन बढ़ रहा है या गिर रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम में कुछ और मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं, और तब तक ये मूवी अभी 26 जनवरी तक और आगे वाले दिनों में, आगे आने वाले दिनों में हर एक बंदा इस मूवी को देखेगा ज़रूर, क्योंकि इसके रिव्यूज़ आई थिंक मैंने आपसे बोला था के बारे में आप लोग के लिए मैं लेकर आऊँगा वीडियो, उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पाया, सॉरी बहुत ही ज़्यादा, और उनके बारे में मुझे चर्चा करनी है। जैसे ही मेरा थोड़ा सा सेटअप कंप्लीट होता है देन आप लोग के लिए फिर से हाजिर होता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मिस भी होता है कि हाँ भाई आप लोग के लिए कल वीडियो नहीं लेके पाया, परसों भी नहीं लेके पाया, और अब कोशिश करूँगा जल्दी आप लोग के लिए हाजिर होता रहूँ। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ।